हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आज आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज इस नए वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक टॉप क्लास एमएनसी कंपनी के बारे में, जो कि अभी उनमें नई हायरिंग चल रही है, वो है विप्रो। विप्रो की तरफ से एक नई जॉब अपडेट आई है जो कि आईटी सपोर्ट से रिलेटेड जॉब है, जहाँ पर आपका काम कस्टमर्स को उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना है। आईटी से रिगार्डिंग उनके क्वेश्चंस होंगे, आपको उसी के रिगार्डिंग उनको आंसर्स करने हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसके लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंसड हैं फ्रेशर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और इसी के साथ साथ इस कंपनी में जॉब करने के कई सारे इंसेंटिव्स और पर्क्स और बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अप्लाई करते ही पता चल जाएंगे, तो बेशक आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यस, तो जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे कि अभी ये एक दिन पहले ही जॉब पोस्ट हुई है, अपडेट हुई है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर गूगल फॉर्म भी जो है ये कंपनी की तरफ से मिल गया है, तो आपको अप्लाई नौकरी से अप्लाई करने के साथ साथ इनका गूगल फॉर्म भी भरना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। उसी से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इस पर क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म पूरा फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ लिखा है फ्लुएंट इंग्लिश इज मैंडेट, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है जो कि पूरा इंग्लिश में होगा, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इसमें क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश। टेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स फॉर टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल कॉल्स आएंगे तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन सॉरी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ओके ओके। देन रोटेशनल शिफ्ट होगा, इट इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब नहीं है। यहाँ पर एल पी ए भी आपका मेंशन है कि कितने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेशर्स की एल पी ए है 2.2 एल पी ए से स्टार्टिंग होगा, जो कि जिसमें बी ई और बी टेक ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अदर ग्रेजुएट्स में जो इनके एल पी ए हैं वो है 1.8 एल पी ए से स्टार्टिंग होगा टू 2 एल पी ए, ओके। नाउ ओके, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक मेल आएगा जिसका टाइटल होगा स्पीच एक्स असेसमेंट। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक मेल मिलेगा जिसमें टाइटल आपका स्पीच एक्स असेसमेंट से होगा, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि आपको ये मेल आया है, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टेस्ट के लिए, तो आपको उसके बाद उसमें टेस्ट भी देना होगा, ओके। और उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, वन मिनट। ओके, तो आप ये देख पा रहे होंगे विप्रो हायरिंग फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल के आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर आपका कैंडिडेट का आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन ज़रूर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन ईयर्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट के साथ में तो आप इसमें मैंशन कीजिएगा। बैंड क्लिक A3, करंट लोकेशन, इसमें बैंड आप ये मेंशन कर दीजिएगा, करंट लोकेशन आपका जो कुछ भी है, प्रिफर्ड लोकेशन क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है, तो जो भी आपके जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसके आसपास इनमें से कोई भी जो लोकेशन है तो वो आप वो उस पर मेंशन कर दीजिएगा। नोटिस पीरियड, अगर आप कहीं काम करें तो उसका नोटिस पीरियड कितना है, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इमीडिएट जॉइनर पे क्लिक कर सकते हैं। करंट सीटीसी आपकी कितनी है, नहीं है तो आप जीरो मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी आपका इसी मिड रेंज के बिटवीन में होना चाहिए जितना यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है आपको। इसी के साथ में आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है एक फ्लुएंट इंग्लिश में आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड करके ऑडियो यहाँ पर फाइल में ऐड करनी है, ओके। और रिज्यूमे फिर लास्ट में आपको ऐड करना है। तो ये सारा काम आपको करके यहाँ पर ये विप्रो हायरिंग फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरीके आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, वेट कीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए कॉल जरूर आएगा, ओके। आपको मेल से पता चल जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, एंड देन आखिरी स्टेप हायरिंग, ओके। तो होप सो गाइज, आप सभी को आज की जॉब अपडेट अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा कि कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब ओपनिंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।